हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। मुझे लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा शौक है। रेड लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट है, तो मेरे पास इतनी सारी रेड लिपस्टिक हो गई हैं तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक वीडियो बनाती हूँ अपनी रेड लिपस्टिक का कलेक्शन। तो इस वीडियो में मैं टोटल आपको 12 या 13 रेड लिपस्टिक दिखाऊँगी, जिसमें कुछ लिपस्टिक हैं, लिक्विड लिपस्टिक भी हैं और लिप लाइनर्स हैं। मैं आपको जो लिपस्टिक दिखाऊंगी उनका स्टार्टिंग प्राइस है 60 रुपीज़, और उससे ज़्यादा आगे बढ़ के जाता है 550 या 600 रुपीज़। तो गाइस आगे बढ़ते, मैं सबसे महंगे से शुरू कर रही हूँ। ये है लॉरेल पेरिस की लिपस्टिक, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे इस पे लॉरेल पेरिस भी लिखा हुआ है। इसकी MRP है 750 रुपीज़, मैंने इसको डिस्काउंट पे लिया था 600 या 650 रुपीज़ में। इसका शेड नंबर है 238 और नेम है रॉज डिफाइल। इसका ये रेड बहुत ही प्यारा सा शेड है, हर स्किन टोन पे सूट करेगा, और इस वीडियो में मैं जो भी रेड लिपस्टिक दिखा रही हूँ वो हर स्किन टोन को ही सूट करेंगे। ये लिपस्टिक सेमी क्रीमी है, बहुत ही कंफर्टेबल है लिप पे। नेक्स्ट है ये जैकलिन की लिक्विड लिपस्टिक। जैकलिन की लिक्विड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, और ये लिप पे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये इसकी पैकेजिंग है। इसका शेड नेम एंड नंबर है 04 गॉडेस। साथ में ये लिक्विड लिपस्टिक स्मच प्रूफ भी है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेड लिपस्टिक है। थर्ड लिपस्टिक है ये कलर बार की लिपस्टिक। ये मैंने बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो में यूज़ किया है, ये तो ख़त्म भी होने वाली है। ये हर स्किन टोन पर बहुत अच्छी लगेगी और आपका फेस इतना ब्राइट लगेगा। ट्रू रेड है इसका शेड, और ये आपको डिस्काउंट पर मिल जाएगी 250 या 280 अराउंड की। इसका फॉर्मूला सेमी क्रीमी है। ये भी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है और लिप पे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। इसकी पैकेजिंग आपको देख के पता लग गया होगा कि ये मेबलिन की लिपस्टिक है। इसका शेड नेम है प्लम परफेक्शन। नाम इसका प्लम है लेकिन प्लम है नहीं है। ये रेड का ही शेड है, बहुत प्यारा सा शेड है, थोड़ा न्यूडिश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश दिखाती हूँ। ये ऑफिस वेयर के लिए या फिर आप कॉलेज जाते हैं तो बहुत ही रेडिश न्यूड शेड है, बहुत ही प्यारा सा शेड है। नेक्स्ट है ये स्टे क्वर्की की लिक्विड लिपस्टिक। इसका शेड नेम है, कहाँ लिखा है इसका शेड नेम, इसका शेड नेम है टू हॉट फॉर डेट नाइट 7। इसका एप्लीकेटर बहुत ही अच्छा है, इसे टिल्टेड है और छोटा सा है, तो आप आराम से लगा सकते हैं। आप मेकअप बिगनर्स हैं तो आप इस लिक्विड लिपस्टिक को ट्राई कर सकते हैं। इसमें और भी शेड्स आते हैं बहुत सारे। ये थोड़ा गंदा सा बना है। जैसा इसका नाम है वैसे ये दिखने में है, थोड़ा सा डार्क है रेड का कलर, बट ये हर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी है ये लिक्विड लिपस्टिक, एंड सेम कंफर्टेबल भी है।
एज़ यूजुअल आपको इन लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप को अच्छे से प्रेप करना है, लिप बाम लगाना है, उसके बाद ही इन लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई करें। नेक्स्ट है ये कीको का लिप लाइनर। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइट पर है, 250-280 रुपीज़ का है, लेकिन आप नायका या मिंत्रा पे देखेंगे तो आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा। इसका बहुत ही प्यारा सा रेड शेड है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको रखा है। और ये लिप पर लगाने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने रेड लिप लाइनर बहुत यूज़ किए हैं, लैकमे के, मेबलिन के, बाकी ब्रांड्स के, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आप देख सकते हैं थोड़े ही स्वाइप में कितना ज़्यादा पिगमेंटेड दिख रहा है। इसका कलर पे ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये लिप लाइनर मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप रेड लिपस्टिक अगर आपको अच्छी लगती है, आप कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले आप इस लिप लाइनर को ज़रूर अप्लाई करें, तो उससे आपकी लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और आपके लिप पे, जैसे मेरे ऊपर वाले लिप पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, तो वो ये लिप लाइनर लगाने से हाइड हो जाती है। फिर उसके बाद जो लिपस्टिक आप लगाते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों लिप पर सेम ही दिखती है। इसके बाद है ये बॉन्जोर पेरिस की लिपस्टिक। इसके रिव्यू बहुत ही अच्छे थे पर्पल पे, इसलिए मैंने ली है। इसका शेड नेम तो नहीं लिखा है, शेड नंबर है 17। इसकी पैकेजिंग मैट पैकेजिंग है, बहुत स्लीक पैकेजिंग लग रही है। इसमें काफ़ी आपको प्रोडक्ट मिलता है। आई थिंक ये मैंने 225 या 250 समथिंग की ली थी। इसका कलर पे ऑफ इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको लिपस्टिक लगाने के लिए थोड़े सी लिपस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा ऐसे घिसना नहीं पड़ेगा जैसे वो मेबलिन लिपस्टिक में हुआ था। इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका कम प्रोडक्ट ही यूज़ होगा। इसके बाद है ये बेला वोस्टे की लिपस्टिक। इसका शेड है डार्क रेड, थोड़ा मरून की तरह ये, और इसका शेड है ऑरेंजिश रेड। दोनों ही लगाने से आपका फेस बहुत ब्राइटन अप हो जाता है, और इसका प्राइस भी इन दोनों का ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका भी कलर पे ऑफ बहुत अच्छा, आपकी लिप की पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं दिखेगी और लॉन्ग लास्टिंग भी है और लिप पे कंफर्टेबल भी है। मैं और मेरी सिस्टर इन दोनों लिपस्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस पे लिखा है, इसका शेड नेम और नंबर है 03 बेरी शाय। ये सेमी मैट लिपस्टिक है। इन दोनों लिपस्टिक का फॉर्मूला मैट फिनिश है, लेकिन इनका ऐसा भी मैट फिनिश नहीं है कि आपके लिप्स पे अनकंफर्टेबल फील हो। इसके बाद है ये ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक। आपने इसके बारे में तो बहुत वीडियोस में सुना होगा, देखा होगा इसका शेड कितना अच्छा है। इसका शेड नंबर वैसे है 01। बहुत ही अच्छा सा रेड कलर है। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में अगर लिक्विड लिपस्टिक चाहिए रेड की, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ऐसा है कि ये ज़्यादा स्मच प्रूफ नहीं है, थोड़ी सी स्मच हो जाती है बट बहुत ही कम होती है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है। इस लिक्विड लिपस्टिक में काफ़ी सारे शेड आते हैं, उनमें से कुछ थोड़ी वाटरी हैं, बट ये इतनी वाटरी नहीं है इसलिए मुझे अच्छी लगती है। ये है एम्स्टरडम की लिक्विड लिपस्टिक। क्वांटिटी में थोड़ी कम है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें भी आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे। इसका शेड थोड़ा सा डार्क रेड है। ये भी लिप पे कंफर्टेबल है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। इसका भी एप्लीकेटर थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, तो ये चीज़ बहुत इजी रहती है लोगों के लिए लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने में।
सेकेंड लास्ट रेड की लिपस्टिक है ये ADS की मैट मी लिक्विड लिपस्टिक, इसका शेड नेम एंड नंबर है 412 रेड। इसे मैंने अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ब्राइट रेड कलर है इसका, हर स्किन टोन को सूट करेगा, लिप पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, साथ में ये लिक्विड लिपस्टिक स्मच प्रूफ भी है, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, नायका का मुझे पता नहीं है, शायद नायका पे नहीं मिलेगी। इस लिक्विड लिपस्टिक की खास बात यह है कि जितनी भी आपको मैंने अभी लिपस्टिक दिखाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये है एंड स्मच प्रूफ है, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ADS इतना स्मॉल ब्रांड है, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी अच्छी लिक्विड लिपस्टिक उसकी होंगी, बट ये मेरी सेकेंड या थर्ड परचेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका शेड। और गाइस सबसे बड़ी बात, आप कुछ ऑयली खाएंगे तो बहुत ही ना के बराबर हटेगा, बाकी अच्छे ब्रांड और बड़े ब्रांड में तो बहुत अच्छे से हट जाता है, लिप पे आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। इस वीडियो की मेरी लास्ट रेड लिपस्टिक है ये NYB की रनवे मिनी लिपस्टिक, कितनी प्यारी सी है, मतलब ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी, आप इसे अपने पर्स में डालिए और आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस पे लिखा है सुपर पिगमेंटेड लॉन्ग लास्टिंग नरिशेस लिप्स, और इसकी MRP जस्ट 79 रुपीज़ है गाइस, बट ये आपको हमेशा पर्पल पे डिस्काउंट पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेड है, कम प्राइस है तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस प्रोडक्ट की, बहुत अच्छा कलर पे ऑफ दिया है इसने, मेरे लिप की बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं दिख रही है। गाइस आपको ये लग रहा होगा कि ये सारे तो रेड के शेड हैं, सिमिलर हैं, क्यों दिखाए, ऐसा नहीं है, सब थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। इसमें जैसे पिंक हिंट है थोड़ा, ये मरून है, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज हिंट है, तो ऐसे ही ये सारे लिपस्टिक डिफरेंट हैं। कुछ मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं कि यार रेड लिपस्टिक चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा सा पिंक हिंट होना चाहिए, कोई बोलती है कि रेड लिपस्टिक चाहिए लेकिन उसमें ऑरेंज हिंट होना चाहिए, तो गाइस आपको मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, आपको रेड चाहिए प्योर रेड तो ये है, थोड़ी सी पिंकिश रेड चाहिए ये है, मरून वाला ये है, इसमें आपके सारे रेड के शेड कवर हो जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूंगी, एंड मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, एंड आई होप अच्छी लगी हो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, एंड सबको लिपस्टिक अच्छी लगती है एंड रेड तो सबको ही अच्छी लगती है। सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय।